रेंज ऑफ वाई इक्वल टू कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। हाँ जी, हमें गिवन क्या है, वाई इक्वल टू कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। अगर आपको कुछ बातें समझ में आती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर लिख दूँ मल्टीप्लाई 1। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर आ रही है। हाँ जी, हमने फॉर्मूला यूज किए हैं, अब तो आपको आने लग गया है क्योंकि हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। और सर ये क्या चीज है, ये चीज है आपका कोस, ये आपका क्या चीज है, ये आप चीज है कोस 2x। इंपोर्टेंट बातें हमने ये किए हैं कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके सारे फॉर्मूले हमने देख चुके हैं, कोस 2x का फॉर्मूला है। तो सर ये कोस के अंदर 2x आया, इसका मतलब थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग के हमारे यही पॉइंट था साइन 2x था। तो सर इसके रेंज में कोई चेंज नहीं हो रहा था कि कोस एक्स की रेंज होती है, कोस एक्स होता आपका -1 से 1 में, तो ये होता है आपका कोस 2x, भी यहाँ आता है। तो सर इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज वही आती है -1 से 1। तो सर इस फंक्शन के रेंज यही है, हाँ बिल्कुल यही है, इसके रेंज यही है। ये तभी संभव है जब आप क्वेश्चंस करोगे, जो आपको थ्योरी करवाई जा रही है, जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो आपको सीट्स दी जा रही है, ये सारी सीटें आप सोल्व करोगे, जो भी आपके डाउट है वो आप डाउट क्लास में क्लियर करोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे और पेपर भी आपसे बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, 40-50 फॉर्मूले हैं, एक बार लिखिएगा, बार बार याद कीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। और इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो ये बेटा प्रैक्टिस होगी सारी बातें, जब आप बार बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, सीट लगाओगे, सारे क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस को लगाओगे, उन क्वेश्चनों को टाइम देके फिर से लगाओगे, माइंड को एक्टिव के आप काम करोगे, क्वेश्चंस लग जाएंगे।